हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ऑडिट, अगर हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। और हमने जाना था इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट वैसे तो टेक्निकली नॉर्मल ऑडिट की तरह है, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एक पर्टिकुलर स्पेशल एसेट की वजह से, ये स्पेशलाइजेशन जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो पैदा हुआ है वो एक स्पेशल एसेट की वजह से पैदा हुआ है जिसे इन्फॉर्मेशन ऑडिट, इन्फॉर्मेशन एसेट कहते हैं। इन्फॉर्मेशन एसेट ने पूरा एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर दिया और ये एसेट दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल होते चले जा रहा है। और इसके लिए इसको ऑडिट करने के लिए एक सफिशेंट कॉम्प्लेक्सिटी इन स्किल चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी इन स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ऑडिट नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑडिट करने में आपको डिफिकल्टी होगी, टेक्निकल स्किल्स चाहिए इसको ऑडिट करने के लिए। इसलिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स भी होंगे वो ओवरऑल ऑडिट प्रोसीजर्स तो वही होंगे, लेकिन जो हम मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, टेक्निक्स यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो डिफरेंट होगी। तो हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, हमने स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएंगे, प्लानिंग किस तरह से इसको ऑडिट करेंगे, इसके बारे में पढ़ा था। अब अगला टॉपिक जो हमारी स्टडी में दिया हुआ है वो है प्रीलिमिनरी रिव्यू। तो प्रीलिमिनरी रिव्यू में एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अगर कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में जाते हो, तो वहाँ प्रीलिमिनरी रिव्यू करते हो आप, और उस समय तक स्कोप और ऑब्जेक्टिव फ्रीज और क्रिस्टलाइज नहीं हुए होते हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होता है कि स्कोप क्या बनाना है या ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाने हैं। तो आपको बुलाते हैं, आपको कहते हैं यार प्रिलिमिनरी रिव्यू करो, हमें कुछ तो बताओ। इनफॉर्मली वो ये कहते हैं कि कुछ तो बताओ हमें, ये क्या है, क्या ये क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, नया नया ऑडिट हमने नाम सुना है, और ये है क्या चीज़ बेसिकली। तो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की टीम जाती है, प्रीलिमिनरी रिव्यू करती है, और उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के साथ बैठती है या जो भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ बोर्ड रूम में बैठती है, चाय कॉफ़ी पीती है, और उसके बाद जो है डिस्कशन होता है और स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्रिस्टलाइज होते हैं और फ्रीज होते हैं। और कई बार मैनेजमेंट को बताना पड़ता है, मैनेजमेंट में पुराने बुढ़े आदमी बैठे हुए होते हैं और वो सन 47 की बातें कर रहे होते हैं, 1947 1960s की बातें कर रहे होते हैं। वो टेक्निकली इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं इंडिया जैसी पर्टिकुलर कंट्री में, अगर अफ्रीकन कंट्री में चले जाओगे तो और बुरा हालत है, लेकिन जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अपडेटेड रहता है, उसको नॉलेज होती है, वो जानता है कि वो टेक्नोलॉजिकली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, और इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस अब धीरे धीरे सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स में आ रही है, लेकिन फिर भी उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती। आज की डेट में अगर बहुत सारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनको सेक्रेटरी चाहिए होता है, एक्सेल वगैरह वो यूज़ नहीं कर पाते, वर्ड वगैरह वो यूज़ नहीं कर पाते। अगर एक नया ब्रीड का सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल है तो एक्सेल वर्ड के थ्रू से गुजरा होता है, उसे पता होता है कि क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ें एक्सेल वर्ड, लेकिन उसे पता हो। पुराने सीनियर मैनेजमेंट वाले लोगों को पता नहीं होता, पुराने माइंडसेट वाले लोगों को पता नहीं होता, पुरानी टाइप की इंडस्ट्रीज हैं उनके लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल धीरे धीरे सीनियर मैनेजमेंट को पता होता है, उन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होता है। और तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले जब आप फर्स्ट ऑडिट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑडिट के लिए जा रहे हैं आपको, या फर्स्ट ऑडिट से पहले आपको इंगेज किया जा रहा है, अभी इंगेजमेंट लेटर दिया गया, अब आप प्रीलिमिनरी रिव्यू के लिए जा रहे हैं और प्रीलिमिनरी रिव्यू कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट बोलता है या पहले इनफॉर्मली आपको बता देता है कि जी प्रीलिमिनरी रिव्यू करने तो जा रहे हैं पर हमें पूरी चीज़ें पता नहीं है, आप हमें बताओ क्या रिस्क होते हैं, क्या होते हैं, कैसे ऑडिट किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, स्कोप और पर्पस उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे। और फिर स्कोप और पर्पस डिफाइन होता है और उसके बाद जब सेकंड ऑडिट होता है तो मैनेजमेंट को आइडिया हो जाता है और सारे लोगों को आइडिया हो जाता है कि हाँ ये है। तो प्रीलिमिनरी रिव्यू जो है वो आप स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं कि एक ये देखते हैं कि ऑडिट का एफर्ट क्या लगेगा, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एफर्ट क्या होगा, क्योंकि एज एन ऑडिटर आप जाते हैं तो आपकी एक टाइम की एक कॉस्ट होती है, तो आप उतने ही टाइम लगाएंगे, आपके पास जितना बंदा होगा, जितने स्किल्स ज़्यादा होंगे उसके पास, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्किल्स ज़्यादा होंगे आपकी टीम में, उसको उतना पे करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रॉफिट भी चाहिए होगा आपके जो ऑडिट करने जा रहे हैं, कुछ
मार्जिन भी होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी होगा वहाँ पर, और फिर हर एक बंदे के टाइम कॉस्ट भी होगी। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑडिट एफर्ट लगेगा, तो वो ऑडिट एफर्ट कितना लगेगा वो ऑडिट रिस्क से, डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क से डिक्टेटेड होता है। ये होता है कि कितना डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क है तो उतना ऑडिट एफर्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, आप उसमें जा रहे हो, उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक बैंक है तो उसमें प्राइवेसी सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खातेदार की अकाउंट्स के बारे में किसी और को पता चल गया तो उसकी सीक्रेसी वायलेट होगी, बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, सारा डेटा वहाँ पर आ रहा है, वो हर समय चलते रहना चाहिए। तो वहाँ पर ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एफर्ट ज़्यादा हो लगेगा, मतलब ऑडिट एफर्ट ज़्यादा लगेगा। और उस एक्सटेंट को एसेस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इफेक्टिवनेस जो है ऑडिट एफर्ट की, उसी पर डिपेंडेंट होगी। अब हमने दो चीज़ पढ़ी थी, इफेक्टिवनेस पढ़ी थी और एफिशिएंसी पढ़ी थी। एफिशिएंसी मतलब ये था कि कितना सिस्टम एफिशिएंट है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि गोल ओरिएंटेशन, क्या हम ऑडिट के गोल मीट आउट कर पाएंगे। हम इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, हमारी स्टडी इफेक्टिवनेस की बात कर रही है यहाँ पर। क्या हम गोल को मीट आउट कर पाएंगे इन ऑडिट एफर्ट से, क्या हम ऑडिट के गोल्स को मीट आउट कर पाएंगे। जो स्कोप और पर्पज़ हमें दिया गया है उसके स्कोप और पर्पज़ के अनुसार हम एक अच्छा ऑडिट कर पाएंगे, ये जो प्रीलिमिनरी रिव्यू से डिटरमाइन किया जाता है। तो प्रीलिमिनरी रिव्यू का मतलब यह है शुरू का रिव्यू, प्रीलिमिनरी पहले का रिव्यू। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एक प्रीलिमिनरी रिव्यू करते हैं। दूसरा चीज़ जो प्रीलिमिनरी रिव्यू में आप देखते हो, वो देखते हो कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं ऑडिट रिस्क को अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक चीज़ है कंट्रोल इन्वायरमेंट। और कंट्रोल इन्वायरमेंट का एप्रोप्रिएट असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप उनका ऑडिट करने जाते हो, और आप बेसिकली उनके प्रीलिमिनरी, पहला ऑडिट होता है, पहला ऑडिट होने से पहले आप प्रीलिमिनरी रिव्यू करते हो और ये पता करते हो कि भाई इसके कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे हैं। आप एक ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे हैं। जैसे हमने कहा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आप देख लोगे तो काफ़ी हद तक तो उसी से पता चल जाएगा आपको। बाकी चीज़ें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जॉब इवैल्यूएशन करोगे, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखोगे, नेचर ऑफ बिजनेस देखोगे, उसके बाद आपको प्रीलिमिनरी रिव्यू से एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एफर्ट पता चल जाएगा और दूसरी बात कंट्रोल इन्वायरमेंट पता चल जाएगा। तो बेसिकली प्रीलिमिनरी रिव्यू जो होता है ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग देता है बिजनेस की, अंडरस्टैंडिंग देता है टेक्नोलॉजी की, अंडरस्टैंडिंग देता है कंट्रोल इन्वायरमेंट की। और उससे क्या होती है कि ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ ऑडिट्स के बारे में क्लैरिटी मिलती है उसे, कि क्या ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को, जैसे मैंने बोला पहला क्लाइंट है, उसे ऑब्जेक्टिव्स भी बताने पड़ते हैं, स्कोप भी बताने पड़ते हैं। तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप क्या स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स उसे बताओगे, क्या बोलोगे कि क्या स्कोप और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो खुद आपसे पूछ रहा है कि भाई स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम इसे समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीलिमिनरी रिव्यू जो है वो एक प्रीलिमिनरी रिव्यू क्या होता है, शुरू में आप गए और रिव्यू किया, शुरुआती का रिव्यू, आप जाके देख कर आ गए, एक डेढ़ दिन लगा के देख कर आ गए, तो आपने बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की, कंट्रोल इन्वायरमेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली। और एक आप अच्छे ऑडिटर हो तो आपको पता चल जाता है, एक खाका खिंच जाता है कि क्या क्या चीज़ है। आप बैठते हो आधे एक घंटे किसी के साथ बैठते हो तो डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाता है। चार आदमी के साथ बैठोगे, चार आदमी की बात सुनोगे तो आप पता चल जाओगे ऑर्गेनाइजेशन कितने पानी में है। तो जो ISA 300 स्टैंडर्ड है प्लानिंग में, वो उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हमें ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा ओवरऑल प्लान बनाने के लिए। अब ओवरऑल जब आप प्लान बना रहे हो तो उससे पहले प्रीलिमिनरी रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिमिनरी रिव्यू क्रिटिकल इनपुट्स देगा प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, क्रिटिकल फैक्टर्स आपको प्रीलिमिनरी रिव्यू में पता चल जाएंगे। ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जब पूछने लगोगे, एक डेढ़ दिन बैठोगे, प्रीलिमिनरी रिव्यू करोगे और चीज़ें पूछोगे तो आपको मोटे तौर पर पता चल जाएगा। आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर हो तो मोटे तौर पर आपको पता चल जाएगा बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, रिस्क कहाँ कहाँ पर हैं, क्या किस टाइप का जो IT का आर्किटेक्चर क्या है, बिजनेस आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक जनरली पता चल जाएंगी।
दूसरी चीज़ है नॉलेज ऑफ बिजनेस। हमारी स्टडी जो बोलती है नॉलेज ऑफ बिजनेस, नॉलेज ऑफ बिजनेस बहुत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिमिनरी रिव्यू में भी नॉलेज ऑफ बिजनेस हमें होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ बिजनेस में जब हम करेंगे, जिस नॉलेज ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, वो नॉलेज ऑफ बिजनेस में हम क्या क्या देखेंगे, उसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे, इंडस्ट्री कंडीशंस देखेंगे, वो इंडस्ट्री कंडीशंस जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उसके बाद देखेंगे हमारे बिजनेस की इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और जो एंटिटी काम कर रही है उसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बहुत तरह की आउटसोर्सिंग करती है, तो आपने देखा आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है वॉइस की आउटसोर्सिंग होती है, मतलब कॉलिंग आउटसोर्सिंग होती है, अकाउंटिंग जो काम होता है उसकी आउटसोर्सिंग होती है, AP, AR, GL, रिकंसिलेशन इनकी आउटसोर्सिंग होती है। तो आप ये सारी चीज़ें देखोगे, आप देखोगे कि बिज़नेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स है और ओवरऑल बिज़नेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, एंटिटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स है और एंटिटी के बिज़नेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस क्या है। अगर मैनेजमेंट के साथ बैठोगे, अगर बात करोगे, तो कुछ समय में आपको पता चल जाएगा कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट या नॉन कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है। अगर वो आपके टर्म्स में बात कर रहा होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा मैनेजमेंट में कॉम्पिटेंसी है कि नहीं है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिमिनरी इवेल्यूएशन के टाइम पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और रिलेटेड कंट्रोल्स की होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये पता कर लेना बहुत ज़रूरी है कि एक्सटेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन क्या है बिज़नेस प्रोसेसेस में। एक्सटेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन है तो इसका मतलब ऑटोमेशन है, वो लेवल ऑफ ऑटोमेशन है तो इसका मतलब वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होंगे, तो आपको एक्सटेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन पता होना चाहिए। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिपेंडेंस है। कई ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम डिपेंडेंट होते हैं, कई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कई में बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही बिज़नेस होता है। जैसे गूगल वगैरह हैं तो उसमें बिज़नेस ड्राइवर हैं, बिज़नेस कई जगह बिज़नेस इनेबलर होता है, कई जगह बिज़नेस को छोटा सा पार्ट होता है जो टेक्नोलॉजी जो है वो छोटा सा इन्वायरमेंट होता है। जैसे आज भी आप कहीं कोई शॉप वगैरह में जाओगे तो वहाँ टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन बिग बाज़ार में जाओगे तो वहाँ पर मैसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। वहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि सामान शेल्फ वगैरह में लगे हैं, सामने एक ऑटोमेटिकली आपका बिल बन रहा है, बारकोड रीडर है उससे बिल बन रहा है, आप यही देखोगे। लेकिन पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है वहाँ पर, कितना सामान बाहर गया, कितना आया, कितना इन्वेंट्री बची है, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, कितनी इन्वेंट्री, क्या हर आइटम का क्या रीऑर्डर लेवल है, हर आइटम का रीऑर्डर लेवल डिटरमाइंड होता है वहाँ पर। हर रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल पर आ गई वो क्वांटिटी तो रीऑर्डर हो जाता है। उसके बाद सीजनल वेरिएशन होते हैं रीऑर्डर लेवल पर, तो वहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन एक नॉर्मल आप दुकान में जाओगे तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होती उतनी ज़्यादा। तो आप ये देखोगे कि बिज़नेस की डिपेंडेंस क्या है, इंटरप्राइज़ की डिपेंडेंस क्या है। दो चार कंप्यूटर रखें कि कंप्यूटर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, या टेक्नोलॉजी जो है सॉरी बिज़नेस इनेबलर की तरह काम कर रही है कि बिज़नेस ड्राइवर की तरह काम कर रही है। हमने पढ़ा था बिज़नेस ड्राइवर अलग चीज़ होती है, बिज़नेस इनेबलर अलग होती है। बिज़नेस इनेबलर बिज़नेस को इनेबल करता है, बिज़नेस ड्राइवर बिज़नेस को ड्राइव करता है। अगर टेक्नोलॉजी बिज़नेस ड्राइवर बन जाती है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है, और इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है तो वो तभी बनती है जब वो एफिशिएंट होती है, एफिशिएंसी उतनी दे रही होती है। तो बेसिकली आप डिपेंडेंस देखोगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर देखोगे, बहुत डाइवर्स टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर होते हैं। जैसे हमने बहुत सारे पढ़े, सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होगा, हाइब्रिड आर्किटेक्चर होगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो सकता है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, कुछ सेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनकी रिक्वायरमेंट। अगर बैंक है तो डेटाबेस तो सेंट्रलाइज्ड होना ही होगा, और बाकी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर क्या है। उसके बाद एक्सटेंडेड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा कि मालूम पड़ा जैसे मारुति जैसी कंपनी है तो वो मिंडा कॉरपोरेशन के साथ भी उसके साथ लिंक है। मतलब अगर वो इन्वेंट्री उसके वहाँ कम होती है, रीऑर्डर लेवल में आती है, तो ऑटोमेटिकली उसके वेंडर्स को पता चल जाता है। तो किस लेवल तक टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, क्या बाहर के सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, या इंटरनली लोकल एरिया नेटवर्क से, या कंपनी वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइड एरिया नेटवर्क से,
या फिर वेंडर्स, कस्टमर और गवर्नमेंट, उनसे भी वो जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के थ्रू। आजकल गवर्नमेंट्स भी अपनी टैक्स वैक्स कहती है कि ऑटोमेटिकली भरो। तो टेक्नोलॉजी, वेरियस टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज होना, उनका एडवांटेजेस लेना उनसे, और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल कॉम्पिटेंस रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर ईमेल सिस्टम है तो ऑथेंटिकेशन रिस्क है वहाँ पर, मतलब उसका, आपके पास एक ईमेल है तो ऑथेंटिकेशन रिस्क है। अगर मान लिया आपके ईमेल को कोई और नहीं पढ़ सके, तो जो वेरियस टेक्नोलॉजी है उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन ही क्रिटिकल हैं, ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है ऑडिटर के लिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, प्रोसीजर, पैरामेट्रिक्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। मतलब आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, पैरामेट्रिक सेटिंग्स देख लोगे, और स्टैंडर्ड्स देखोगे, टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स हैं वो अडेप्ट करके इंटरनल स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस देख लोगे। तो बेसिकली जब आप प्रीलिमिनरी रिव्यू करोगे तो नॉलेज ऑफ बिजनेस लोगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी आप अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि जो एसेट है, जो वैल्यूएबल एसेट हुआ है, इंफॉर्मेशन एसेट पैदा हुआ है, उसके पीछे पूरा एक सिस्टम होगा, उसकी सही तरीके से अकाउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, चेंजेस इन पॉलिसी हो रही हैं तो कौन सी चेंजेस हैं, उनका इफेक्ट क्या है, नए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का क्या इफेक्ट आया। तो ऑडिट जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये नॉलेज होती है अकाउंटिंग की, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की, और उसे पता होता है कि कंप्लायंस प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बारे में पता होता है, उसे पता होता है कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखना है, कंट्रोल्स कितने हैं, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स देखना है, अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी कम होंगे, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ चेकिंग उसकी वेरी कर जाएगी। तो उसको बेसिकली अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स देखने होंगे, तो वो प्रीलिमिनरी रिव्यू में फटाफट देख लेगा, नॉलेज ऑफ बिजनेस देख लेगा, टेक्नोलॉजी वो ये देख लेगा कि भाई जनरल कॉम्पिटेंस क्या है, मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस क्या है, बात करते ही उसे पता चल जाएगा मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है कि नहीं, आधे घंटे में उसको पता चल जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री किस में डील कर रही है, किस तरह से डील कर रही है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट वगैरह वो देख लेगा, और टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेगा कि किस क्या लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन है, उसके बाद आर्किटेक्चर क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, कैसा है, उसके बाद क्या है, सीमलेस इंटीग्रेशन है कि वेंडर्स के साथ या वेंडर्स अलग ही हैं, और वेरियस टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस देखेगा, और उसके बाद देखेगा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट हुए, जैसे ईमेल्स वगैरह हैं उसमें ऑथेंटिकेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर्स, पैरामीट्रिक सेटिंग्स देख लेगा, फिर अकाउंटिंग देख लेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स देख लेगा। इसके बाद लीगल और ऑडिट स्टैंडर्ड्स आते हैं, लीगल और ऑडिट स्टैट्यूटरी इम्प्लीकेशंस होता है इनका, एक बात, लीगल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से ऊपर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कभी भी लीगल स्टैंडर्ड्स को वायलेट नहीं करेगी, इवन ऑडिट स्टैंडर्ड्स को नहीं करना चाहिए, जो मैंडेटरी ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो मैंडेटरी ऑडिट स्टैंडर्ड्स दे रही है उसको, उसे वायलेट नहीं करना चाहिए, लॉ को तो वायलेट ही नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद स्टेट और सेंट्रल लॉ है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट लॉ बनाने की इजाज़त की वहाँ स्टेट को पावर है, जहाँ सेंट्रल को बनाने की सेंट्रल को पावर है, और इन दोनों के विरोध में हो ही नहीं सकता है। इसके अगर लॉ के अंदर गत कोई सर्कुलर है, इशू किया गया, नोटिफिकेशन इशू किए गए, वो भी लॉ जैसे ही होते हैं, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल कंसिडरेशंस हैं, जो 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 कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, उसके बाद पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब पॉलिसीज़ इनको ओवरराइड नहीं करती, ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ को ओवरराइड करती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट के लीगल लीगल लॉज के विरोध में कर रहा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को हानि होगी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव लॉ के विरोध में नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकता कि मैं अफीम बेचूंगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकता क्योंकि अफीम बेचना हिंदुस्तान में बैंड है। तो लीगल कंसीडरेशन और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे, तो उसके बाद क्या है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और देखेंगे कि रिलेटेड स्टिपुलेशंस क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, इवन ऑडिट
को कंडक्ट करने की क्या गाइडलाइंस हैं वो भी फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा स्टैट्यूट्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक मिनिमम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इम्पोज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया आप जब भी ऑडिट करने जाओगे तो ये तो मिनिमम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो आप देखोगे ही देखोगे, तो फिर तो वो आपको देखने ही पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस पैदा हो जाती हैं सर्टेन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी में। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ बोलता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे बैंक्स वगैरह के लिए उसने कहा ये इंक्रिप्शन लेवल ऑफ इंक्रिप्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंक्रिप्शन कई तरीके से हो सकता है, मतलब इंक्रिप्शन क्या है, एल्गोरिथम जितना उसको जंबल कर दो चीज़ को कि आदमी को ढूंढने की कोशिश करे तो जितनी मुश्किल हो जाए उसको ढूंढना, तो स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन कहते हैं। वो स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन बैंक ऐसा वो रेगुलेटरी एजेंसी कह सकती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ते हैं कि जो एप्लीकेबल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं जब वो काम कर रहा है उसे देखने पड़ते हैं। अगर मैंडेटरी ऑडिट स्टैंडर्ड्स नॉन कंप्लायंस है, पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कोड ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स में को वायलेट कर रहा है वो, उसका इम्पैक्ट एडवर्स इम्पैक्ट आएगा उस ऑडिटर के काम में, तो ये सारी चीज़ें उसे देखना पड़ेंगे। लीगल और रेगुलेटरी कंसिडरेशन उसे देखनी पड़ेंगी। उसके बाद रिस्क और मटेरियलिटी, रिस्क इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क दोनों देखने पड़ेंगे। इनहेरेंट रिस्क वो है जो रिस्क कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो उसके बावजूद बच्चा रिस्क हो तो होगा ही होगा। कंट्रोल रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगाओगे कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इंटरनल इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करोगे और सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज में उसे आइडेंटिफाई करोगे। मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल सिस्टम से वहाँ पर देखोगे क्या इनहेरेंट रिस्क है क्या कंट्रोल रिस्क है। उसके बाद मटेरियलिटी लेवल सेट करोगे ऑडिट पर्पज़ के लिए, और मटेरियलिटी लेवल जो है कई बार लॉ की के बेस से सेट करोगे और कई बार क्या है ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टिपुलेट करेगा उसका जो रिस्क एक्सेप्टेंस लेवल होगा, जो रिस्क एक्सेप्टेंस लेवल होगा वो मटेरियलिटी लेवल को अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर कोई उसके एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क से कोई भी ज़्यादा रिस्की चीज़ हो रही है तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एक्सेप्टेंस लेवल मैनेजमेंट ने बता रखा है और कई जगह पर लॉ बताता है। जो नॉर्मल मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फिर उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, कहीं पर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई एरर वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये उसको ये देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर जहाँ पर ऑटोमेशन सिस्टम है वहाँ पर सॉफ्टवेयर को देखना पड़ेगा, कंट्रोल सही लगे कि नहीं लगे, एल्गोरिथम सही है कि नहीं सही है, एल्गोरिथम जो है सही कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम फ्रॉड नहीं करता, आदमी फ्रॉड करता है। और अगर वहाँ पर आदमी है, आदमी कंट्रोल कर रहा है तो वहाँ से देखना पड़ेगा फ्रॉड तो के चांसेस क्या हैं। उसके बाद कई एरियाज़ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सब्जेक्टिव व्यूज़ भी होता है, जैसे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स वगैरह हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना रिस्क एंड मटेरियलिटी के टर्म्स में, ये ऑडिटर का काम होगा। उसके बाद नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स डिटरमाइन करेगा, मतलब वो देखेगा कि कौन से कोई स्पेसिफिक ऑडिट एरिया है जिसमें ज़्यादा एम्फसाइज करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होगा ऑडिट में, इंटरनल ऑडिटिंग अगर हो रही है या एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसकी रिपोर्ट्स का क्या इफेक्ट होगा, वो कौन कौन से एरियाज उन्होंने कवर कर रखे हैं उनकी रिपोर्ट को देखेंगे। इसके बाद हमारी स्टडी थोड़ा प्रीलिमिनरी रिव्यू के बारे में थोड़ा सा और बताती है। वो कहती है ऑडिट इन्वायरमेंट में हम तीन चीज़ इवेल्यूएट करेंगे, पहला बिजनेस रिक्वायरमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट और तीसरा कंट्रोल इन्वायरमेंट। यानी सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट और कंट्रोल इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करने जा रहे हैं तो किसका करने जा रहे हैं, बिजनेस का करने जा रहे हैं, तो उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को देख लेंगे, फोकस एरिया देखेंगे उसके रिव्यू का, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या देखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और बिजनेस प्रोसेसेस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ है, फेसबुक है, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वही बिजनेस है। कई जगह पर क्या होता है इन्फॉर्मेशन से हम सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलन मस्क ने टेस्ला का मॉडल एस निकाला है, तो टेस्ला जो कंपनी है वहाँ पर रोबोट्स लगे हुए हैं, रोबोट्स हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे हम रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, रोबोट्स कार्स को बना रहे हैं, कार्स बिक रही है, उसके बाद हमारा
उसके बाद हमें पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जहाँ पर फेसबुक है वहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहाँ अगर मान लीजिए सपोज एक यूट्यूब है, वहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहाँ पर क्या है, यूट्यूब है तो वो डेटा ही है, बेसिकली डेटा ही बिजनेस है, डेटा ही प्रोडक्ट है। आदमी अपलोड करता है उस डेटा को और वही डेटा जो है लोगों को दिखाई देता है, और फिर बीच में एड्स आते हैं, उसी से यूट्यूब कमाता है। तो बेसिकली वहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये देखना पड़ेगा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या रिलेशनशिप है बिजनेस प्रोसेस से। उसके बाद ऑडिटर जो है अंडरस्टैंडिंग करेगा नेचर ऑफ बिजनेस की, जिसकी हम बात कर चुके हैं, बिजनेस प्रोसेसेस समझेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को देखेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, टू टायर है, थ्री टायर है, सेंट्रलाइज्ड है, या वन टायर मतलब सेंट्रलाइज्ड ही होता है, वन टायर वैसे होता नहीं है, लेकिन सेंट्रलाइज को आप कह सकते हो सेंट्रलाइज्ड है, टू टायर है, थ्री टायर है, एन टायर है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो आर्किटेक्चर देखोगे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वहाँ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट में आर्किटेक्चर देखोगे। कई जगह क्या है, कुछ चीज़ें एंटायर होंगी, कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होंगी, जैसे बैंक्स वगैरह के केसेस में। उसके अलावा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट देखोगे, बिजनेस और बिजनेस प्रोसेसेस देख लोगे तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। मतलब क्योंकि बिजनेस और बिजनेस प्रोसेसेस ही टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट उसी को अडेप्ट करता है और उसी को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही बिजनेस, बिजनेस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तीन चीज़ आपने देखी तो आप टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट काफ़ी हद तक समझ जाओगे। धीरे धीरे आप ऑडिट करते करते एक अच्छे ऑडिटर हो जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑडिटर को वेरियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और बिजनेस कंट्रोल्स में उसका इम्पैक्ट होने के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कंट्रोल इन्वायरमेंट का इवेल्युएशन, आपकी आपने एक बार बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कर ली है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग कर ली है, तो फिर उसके बाद क्या है, आप कंट्रोल फ्रेमवर्क्स को देखोगे, और कंट्रोल फ्रेमवर्क को देखकर ये देखोगे कि भाई ये कंट्रोल फ्रेमवर्क सही है कि नहीं सही है, ये बिजनेस की स्ट्रेटजी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते हैं, आईटी स्ट्रेटजी को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते हैं, पॉलिसीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते हैं, प्रोसीजर्स को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के अनुसार हैं कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग देगी, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज के बारे में उसकी नॉलेज बढ़ाएगी, और वो ये बढ़ाएगी कैसे कंट्रोल्स होगा। कई बार हमने पहले अपने सेशंस में बोला, अगर मान लीजिए वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, तो सेग्रीगेशन ड्यूटी सेग्रीगेट करोगे तो जहाँ उस वो काम कर रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस बंदे की होगी। तो ऑडिटर को ये पता चल जाएगा कि क्या इस बंदे की किस किस की कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से जॉब के कौन सा जॉब कौन होल्ड कर रहा है, कौन सा जॉब कौन कर रहा है, और किसकी जो जॉब कोई बंदा कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहा है तो उसके कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा एंटर का बंदा है, तो वो डेटा एंट्री कर रहा है फटाफट, तो सही डेटा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो आईएएस ऑडिटर को कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा कंट्रोल्स के इवेल्युएशन में, और उसको ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट जो है, जैसे मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली जितना ज़्यादा वो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होता है, नीचे की प्रोसेस ऑटोमेट हो जाती है और टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को मोल्ड आउट करने लगती है। यानी कि फेसबुक है, फेसबुक में अगर वो थोड़ा सा भी एक लॉजिक चेंज कर लें तो पूरा वर्ल्ड वाइड जो भी फेसबुक ओपन करते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो यानी एक छोटे से लॉजिक, एक छोटे से प्रोग्रामिंग वो चेंज करने पर, एक उन्होंने प्रोग्रामिंग चेंज कर दी तो उससे फेसबुक के सारे दुनिया के जितने भी फेसबुक होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस में फ़र्क आ जाएगा। यानी एक डिसीजन से वहाँ पर एक छोटा डिसीजन, एक आप ये आप वहाँ टेक्टिकल लेवल डिसीजन नहीं कह सकते हैं, हर डिसीजन स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन हो जाता है वहाँ पर। कोई भी डिसीजन, छोटा सा छोटा डिसीजन जो फेसबुक के सॉफ्टवेयर को इन्फ्लुएंस करेगा, फेसबुक के सॉफ्टवेयर को चेंज करेगा, वो वर्ल्ड वाइड करोड़ों आदमी के एक्सपीरियंस में इफेक्ट डालेगा, और क्योंकि करोड़ों आदमी के इफेक्ट डालेगा तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस होना चाहिए।
तो टेक्नोलॉजी क्या करती है, नीचे के लेवल डिसीजंस ख़त्म करते चली जाती है और स्ट्रेटेजिक लेवल में लाकर आपको खड़ा कर देती है। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें स्ट्रेटेजिक हैं, क्या चीज़ें नॉन स्ट्रेटेजिक हैं, उसी के अनुसार जो है प्रिलिमिनरी रिव्यू में आप ऑडिट एनवायरनमेंट को रिव्यू कर सकोगे। तो सबसे पहले आप बिज़नेस रिक्वायरमेंट का आपने इवैल्यूएशन कर दिया, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का इवैल्यूएशन किया और कंट्रोल एनवायरनमेंट का इवैल्यूएशन किया। तो आपने प्रिलिमिनरी रिव्यू में ये तीनों चीज़ों का इवैल्यूएशन किया और सबसे पहले बिज़नेस रिक्वायरमेंट का किया, कंपनी में के बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स देखी और फिर टेक्नोलॉजी देखी, फिर उसके बाद क्योंकि बिज़नेस होगा और उसके बाद लेवल ऑफ़ टेक्नोलॉजी होगी तो उस पर कंट्रोल्स होंगे, तो उसके बाद आपने कंट्रोल्स एनवायरनमेंट देखे और सारी रिलेटेड प्रोसेस, सारी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है बिज़नेस में, आपकी रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा तो आपकी रिपोर्ट, अगर स्ट्रेटेजिक लेवल वहाँ पर जो डिसीजंस होंगे वो हाई लेवल डिसीजंस होंगे, ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होंगे तो आपका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रीलिमिनरी रिव्यू में ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। थैंक्स।